प्रणाम। आज शाश्वती नवपदोली का छठा दिन, सभी तपस्वी शाता में होंगे। एक प्रवचन में उदाहरण सुनने मिला। एक पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसकी बीमारी वगैरह देख के दवा देते हैं और साथ में मेडिकल से भी कुछ दवा का प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि ये बाहर की दवा दिन में दो बार खाना। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मेडिकल भी जाता है, दवा भी लेता है, और मेडिकल के जो दवा के पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ रहता है। उस इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि टेक एट थ्री टाइम्स। अभी पढ़ा लिखा भी है, पढ़ भी रहा है, डॉक्टर बोल भी रहा है, तो हम किसकी बात मानेंगे? तो बट ऑब्वियस है, ज़्यादातर लोगों का यही मानना होगा कि हम दवा पर कुछ भी लिखा हो पर डॉक्टर हमारी शक्ति को परख के जो बताए उस पर ही विश्वास करेंगे और उनकी ही बातों का अमल करेंगे। बस यही सामान्य बात को मन में घुटने ही है। प्रभुवीर का जन्म कल्याणक आ रहा है, चैत्री पूनम आराधना का बड़ा पर्व आ रहा है, इन दिनों को कैसे मनाएंगे? अपनी मन मर्जी चलाकर या डॉक्टर समान ऐसे पूज्य आचार्य भगवंत ने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से जो विवेकपूर्ण हो वो आदेश हमें दिया हो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। जैसे आज ठीक शाम 9 बजे बड़ा प्रधान जी की बातों का मान रख के एकता और जियो और जीने दो की भावना के प्रतीक रूप दिया जलाएंगे। इस समय सिर्फ घर की लाइट बंद करने कहा है, मेन फ्यूज बंद करने नहीं, और सैनिटाइजर का उपयोग आग पास में होने से नहीं करेंगे। इनका हम सब ध्यान रखेंगे। कल सुबह 9 बजे ना 9 बजे के 1 या 5 मिनट पहले ना आधा घंटे पहले शार्प 9 बजे परमात्मा वीर के जय जयकार के साथ सिर्फ 5 से 9 मिनट विवेकपूर्ण थाली या शंख बजाकर परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाएंगे। अपने अड़ोसी पड़ोसी या कोई अन्य धर्मियों को तकलीफ ना हो इतना जोर शोर से हमें दिखावा नहीं करना है। प्रभु के वचन पर श्रद्धा करना वो है सम्यक दर्शन। प्रभु जैसा नहीं पर प्रभु ने कहा है वैसा बनना और प्रभु की आज्ञा में रहना यही है सच्चा धर्म। प्रभु की आज्ञा का ज्यादा से ज्यादा पालन करें, यही उद्देश्य के साथ परमात्मा के जन्म कल्याणक को मनाना है। काफी संस्थाएं अनुकंपा दान के उत्कृष्ट कार्य में जुड़ी हुई है। कल के दिन मिठाइयां बांटकर प्रभु के जन्म कल्याणक से स्वस्थता और प्रसन्नता का प्रसार करेंगे। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा, कोरोना के पीड़ितों को मन से स्वस्थ रखने उन्हें पॉजिटिव वातावरण में रखा जाता है जिससे उनके ट्रीटमेंट पे भी असर होता है और जल्दी से जल्दी उन्हें रिकवरी होती है। हम पूरा दिन यदि घर पे बैठ के भी कोरोना के न्यूज़ में फंसे रहेंगे तो मानसिक बीमारी में ऐसे उलझ जाएंगे जिसका इलाज करना कोरोना से भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप सब अपने कार्य में व्यस्त रहिए। रसोई, हैंडक्राफ्ट, म्यूजिक, आर्ट, अपनी छुपी हुई कलाओं को बाहर निकालने का ये उत्तम अवसर मिला है, उसे ना गवाइए। ये तो सिर्फ हुई शरीर की बात, ऐसा कोई कार्य में मत जुना जो आर्तर ध्यान और रौद्र ध्यान बढ़ाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्य करना जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में हमारी वृद्धि करे, क्योंकि ध्यान भी अभ्यंतर तप का निर्जरा हेतु एक मार्ग है। अपनी आत्मा को निर्मल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय, गाथा, नए सवन, सामायिक, नए पुस्तक का वांछन, जाप करके अपनी आत्मा को निर्मल करेंगे, यही बेस्ट गिफ्ट रहेगा प्रभु के जन्म कल्याणक पर अपने आप को देने का। सो कल का इंतजार मत करना, आज से ही अभ्यंतर तप में आगे बढ़ना, यही मनोकामना करते हैं।